बीटरूट खा लेते हैं और उनके पत्तों को बेकार समझकर हम फेंक देते हैं। पर आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी इन पत्तों के साथ बनाने वाले हैं। कुकर में पानी लिया है, चने की दाल को अच्छे से वॉश करके कुकर में डालेंगे। इसके साथ हमने गोभी डाली है, गाजर है और मटर भी डालेंगे और यहाँ पर कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया पत्ती डाली है। हरी मिर्ची भी हमने डाल दी अपने स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पर बीट रूट के पत्ते हैं, उनको अच्छे से वॉश करेंगे और इनको हमने काट लिया है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीट रूट का बहुत ही हेल्दी साग। तो सारे पत्ते हमने कुकर में डाल देने हैं। तो बहुत ही कमाल की रेसिपी बनने वाली है। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। कुकर का ढक्कन तब तक नहीं लगाना जब तक सारे पत्ते ये चीज़ें एकदम से आपको सॉफ्ट नहीं दिखने लग जाती। जब ये चीज़ें कम्प्लीटली सॉफ्ट हो जाएं, जैसे अब हो चुकी हैं, तो इस स्टेज पर बिल्कुल सही है कि हम कुकर का ढक्कन लगा दें। तो कुकर का हम ढक्कन लगा देंगे, चार विसल्स हम हाई फ्लेम पर देंगे और फिर 25 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको रख देंगे। धीरे धीरे बहुत ही कमाल का साग बन के रेडी होएगा। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा साग बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पर हमने वुडन मेजर लिया है, आप जो हैंड ब्लेंडर होता है उसके साथ भी साग को अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। पर बहुत ही कमाल का, बहुत कोई ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ती, बिल्कुल वुडन मेजर के साथ कमाल का साग हमारा बन के रेडी है। तो यहाँ पर हम तड़का लगाने जा रहे हैं मस्टर्ड ऑयल में। तो जो गार्लिक है थोड़ा ज़्यादा इसमें आप यूज़ करिए, फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। जिंजर और गार्लिक दोनों हमने अच्छा सा कलर आने तक, उनका कच्चापन निकल जाने तक इसको भून लेना है। तो यहाँ पर हमने चॉप किए हुए प्याज भी डाल दिए हैं, इनको भी हम अच्छा कलर आने तक बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से कुक कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि बढ़िया सा कलर हमारा आ चुका है प्याज का। तो यहाँ पर टमाटर डालेंगे, इसको भी चलाते रहेंगे जब तक ये बढ़िया से सॉफ्ट नहीं हो जाते और बढ़िया से कुक भी नहीं हो जाते, क्योंकि कच्चा तड़का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर हमने कुटी हुई लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च दोनों ही डाली हैं। कश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती और उसके साथ कलर बढ़िया आता है। तो भुने हुए चने का पाउडर डाला है यहाँ पर हमने, आप बेसन भी डाल सकते हैं और लगातार इसको चलाते रहेंगे कि इसमें लम्स ना आए और ये बढ़िया सा मसाले के साथ मिक्स भी हो जाए। कच्चा रहने की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती जब हम भुने हुए चने का पाउडर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालेंगे और जो टमाटर है उनको मैश करते हुए बीच बीच में चलाते हुए हमने ये वाला तड़का बहुत अच्छे से भून लेना है। आप देख सकते हो टेक्सचर कितना क्रीमी हो चुका है। तो इस स्टेज पर हमने क्या करना है, साग इसमें ऐड करना है। तो हमारा साग इतना बन के रेडी हुआ था, पर हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही तड़के में साग को यूज़ करेंगे। जो बाकी साग बच जाएगा उसको दोबारा से फिर से तड़का लगा के हम यूज़ करने वाले हैं। तो बीट रूट के साग को हमने तड़के में डाल दिया है, अच्छा सा मिक्स दे देंगे। एकदम से बढ़िया सा तड़के के साथ मिक्स हो जाना चाहिए, बहुत ही हेल्दी, एकदम लाजवाब, सुपर से ऊपर ये हेल्दी साग बन के रेडी होता है। एक बार मेरे कहने पर ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखें, डेफिनेटली आपको बहुत ही बढ़िया लगने वाला है, मज़े आने की फुल गारंटी है। ट्राई ज़रूर करके देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।